बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटे प्रजाति का हिरण मिला है। फॉरेस्ट के कैमरे में यह कैद हुआ। बताया जा रहा है इस प्रजाति का नाम माउस डियर है। इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम का होता है और लंबाई 57.5 सेंटीमीटर की होती है। फॉरेस्ट के अफसरों ने बताया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार इसे ट्रैप किया गया है। इससे पहले इसी प्रजाति का एक हिरण बेलाडीला की पहाड़ों में मिला था। भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह में से एक माना जाता है। भारतीय माउस डियर विशेष रूप से घने झाड़ियों वाले नमी वाले जंगलों में होते हैं। माउस डियर में चूहे सुअर और हिरण के रूप और आकार का मिश्रण दिखता है और बिना सिंग वाले हिरण का एकमात्र समूह है। मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के वनों में माउस डियर की उपस्थिति दर्ज हुई है। फॉरेस्ट के अफसरों की माने तो जंगल में लगने वाली आग, बढ़ते हुए अतिक्रमण और शिकार के दबाव से भारतीय माउस डियर की आबादी को शायद गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में इन प्रजातियों को बचाने की जरूरत है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक धमशील गढ़वीर ने बताया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ऐसे वन्य जीव के लिए उपयुक्त है। राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन एवं जीवों के संरक्षण के लगातार कैंपेन चला रहा है। पर्यावरण प्रेमी अमित मिश्रा ने कहा अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के हिरण इंडियन माउस डियर, जिसका वैज्ञानिक नाम मोसियोला इंडिका है, ये विश्व की सबसे छोटी हिरण की प्रजाति मानी जाती है। इसकी लंबाई 57.5 सेंटीमीटर होती है और वजन मात्र 3 किलोग्राम का। बहुत मुश्किल से ही ये हिरण कहीं भी देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि कैमरा ट्रैप में भी आज तक इसकी कमी तस्वीर कैद हो पाई थी। जंगल में भी इसे देख पाना आसान नहीं होता।